पैदा हुआ हूँ और मैं 9th class में हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहता हूँ दिल्ली में, एक स्लम एरिया में। और मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरी मदर है और 2 sister है और मैं यहीं काफ़ी टाइम से रहता हूँ। मैं एक एथलीट हूँ जिस अभी मैंने करंट में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। 100 meter में मैंने अच्छा टाइम दिया है 10.76 और 200 meter में दिया है 21.73। पापा मेरी काफ़ी ऐसा काम करते जिससे काम खर्चा घर का निकल नहीं पाता, पापा जैसे चलाते हैं और मम्मी कोठियों में काम करते हैं, जिस वजह से काफ़ी मेरा खर्चा, मेरे शूज़ का, मेरे डाइट का, इन सब का खर्चा निकल नहीं पाता। तो जिस वजह से मैं कभी कभार काफ़ी नर्वस हो जाता हूँ और एथलेटिक छोड़ने पर आता हूँ। काफ़ी पुअर फैमिली से हूँ तो काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आई बीच में कि कभी कुछ नहीं मिलता था, कभी शूज़ नहीं मिलते थे टाइम पे, कभी डाइट नहीं मिलता था, कभी रेस्ट नहीं मिलता था। तो वो चीज़ अभी भी है बट थोड़ा सुधार तो आया है अभी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो सपोर्ट किया मुझे इंडिया के लोगों ने। तो कभी कभार मैं मैम से बोलता हूँ कि मैम मुझे जॉब कोई लगवा दो, मैं एथलेटिक्स नहीं कर पाऊँगा क्योंकि काफ़ी पैसे लग रहे इसमें। तो मैम ने काफ़ी मोटिवेट किया और काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया सुनीता मैम ने और सुरेंद्र सर ने, दोनों ने। उसके बाद फिर मैंने अच्छा करने लग गया। फिर इसके बाद 2016 में गेल इंडियन स्पीच तारिक रेस थी जो टैलेंट के बेसिस पे बच्चे सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने वो रेस करी और मुझे गेल का स्पॉन्सर मिला और वो मुझे जमैका लेकर जा रहा है अभी ट्रेनिंग के लिए। और मैं कॉन्वेंट की तैयारी कर रहा हूँ जो मैं जमैका में करने वाला हूँ, बट मुझे अभी कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला है एक रेगुलर बेसिस पे जो मुझे मिलना चाहिए। मैं जमैका जा रहा हूँ बट मैं ये कहना चाहूँगा मुझे काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि वहाँ जा रहा हूँ, काफ़ी लकी हूँ कि इंडिया से काफ़ी कम बच्चे गए हैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ सारे, ऑलमोस्ट सारे ओलंपियन हैं, सारे ओलंपिक्स मेडल वहीं पर हैं जमैका के स्प्रिंटरों के सबसे, और काफ़ी एडवांस है वहाँ की टेक्निक, वहाँ के कोचेस, वहाँ की हर चीज़। और उसे बोल तो पता ही है सबको कि वो लेजेंड है पूरे वर्ल्ड का और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो हम वहाँ पर टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ब्लॉक्स से निकलना सीखेंगे वहाँ पर। और बोल से अगर हमें कभी टाइम उन्होंने दिया है लगा तो हम ज़रूर उनसे उनके बारे में पूछेंगे क्या कैसे क्या टेक्निक के बारे में सब कुछ ज़रूर पूछना चाहूँगा मैं उनसे।